हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जब रेलवे के पास इतनी वैकेंसीज हैं तो भैया ये फिल क्यों नहीं की जा रही हैं, हम लोगों के लिए वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली जा रही हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कि भैया जब इतनी वैकेंसीज हैं तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में कितनी कितनी वैकेंसीज आने की प्रोबेबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज इस बार ग्रुप डी में आ रही हैं और क्या हमें अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए या भैया बहुत डिफिकल्ट है ये चैप्टर, तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, ये तो करने का कोई फायदा नहीं है, वैकेंसी का वेट करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन सारे सवालों पे हम लोग बात करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये जो अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि भैया ये बताओ कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ में आया है कि अब सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं और इलेक्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में 236,902 पद खाली हैं। सवाल तो पूछे गए थे इतने सारे, जिसमें सबसे पहले बताया था कि भैया आप बताओ कि हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन बाय फरवरी, कि फरवरी 2024 तक आप बताओ लेवल वाइज कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा यह पूछा गया था कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 आर वैकेंट इन ऑल जोनल रेलवेज, हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर वैकेंट इन रेलवेज। इसके जवाब जो इतनी सारे क्वेश्चंस हैं कि लोको पायलट के कितने पद खाली हैं, टेक्नीशियन के कितने पद खाली हैं, ग्रेड वन में कितने खाली हैं, हाउ मेनी पोस्ट ऑफ लेवल वन आर वैकेंट, रेलवे ने कहा कि भाई इतने सारे जो आपके सवाल हैं इनके जवाब तो हम एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लेवल पे हमारे पास अभी इस चीज का डेटा नहीं है। अगर आपको डेटा चाहिए तो इनमें ये लिखा हुआ है, तो आप अलग अलग आरआरबी से उनसे आरटीआई लगा के अपना डेटा पूछ सकते हो, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हाउएवर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल वन, क्योंकि लेवल वन भी ग्रुप सी के अंडर में है, इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन द ऑफिस एज ऑन 8/3/2024 प्रोविजनल 236,902। अब आप ये लगाइए इस समय तक लगभग मैक्सिमम लोगों की ग्रुप डी वालों की ग्रुप सी जो भी थे उनकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ अगर मैं मानता हूं 36,000 लोगों की बची भी होंगी तब भी 200,000 पोस्ट वैकेंट हैं, तो रेलवे ने वैकेंसी क्यों नहीं दी या क्या है और कितनी वैकेंसी। देखिए ये तो आप लोगों को पता है, रेलवे ने कहा है कि भैया एनुअली प्रोसेस होगा, उसके दम पे ही सारे चीजें होनी है। लेकिन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए एक तरीके से अच्छी खबर है कि उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो अच्छी खासी होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है वो सुनो। देखो किसी भी बच्चे का एनटीपीसी में सिलेक्शन होता है, किसी भी बच्चे का एएलपी में सिलेक्शन होता है जो वेटिंग वोटिंग क्लियर होनी है, किसी भी बच्चे का टेक्नीशियन में सिलेक्शन होता है, अगर किसी भी बच्चे का कहीं भी सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले वो ग्रुप डी को छोड़ देता है। इवन यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हो रहे हैं तब भी वो ग्रुप डी को छोड़ दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वैकेंट जो पोस्ट है, चाहे वो प्रमोशनल, रेलवे के अंदर बहुत सारी प्रमोशनल वैकेंसी निकली है, अभी आप लोगों ने देखा होगा 10,000 के आसपास, तो करीब 8 से 10,000 वैकेंसी तो एएलपी की ही थी, और बाकी वैकेंसीज भी हैं, गुड्स गार्ड भी हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं, प्रमोशनल कोटा की काफी वैकेंसीज लगातार आती रहती हैं। तो ये जो पोस्ट भरी जा रही हैं ये मैक्सिमम ग्रुप डी वाले बच्चों से ही भरी जा रही है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बच्चा चिंतित रहता है वो ग्रुप डी में आने के बाद रहता है, और वो रेलवे में किसी भी पोस्ट पर अगर वैकेंसी आती है तो वो उसका फॉर्म जरूर भरता है अगर वो एलिजिबल है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो पोस्ट है इन 2,00,000 में से, 236,000 में से कम 1,50,000 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी वालों की खाली होंगी। लेकिन क्या 1,50,000 एक बार में आ जाएगी? इम्पॉसिबल, कभी वैकेंसी नहीं आएगी 1,50,000। आप ये मान के चलिए अगर 1,50,000 वैकेंसी खाली है तो आपका अगर ईयर वाइज इन्होंने प्रोसेस रख रखा है तब आपकी मैक्सिमम पोस्ट 40-45,000 हो सकती है मैक्सिमम, और इसका कोई कहना नहीं है, मिनिमम जो है 15,000 से लेके 40-45,000 के बीच में या 50,000 के बीच में वैकेंसीज निकल सकती हैं।
और आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरा कहना यह है अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, जो हो ही सकती हैं क्योंकि आप सारी वैकेंसीज देख रहे हैं, जैसे 9000 वैकेंसीज टेक्नीशियन की निकली हैं, तो उम्मीदें यह हैं कि कम से कम 18-20-30 हजार के आसपास वैकेंसीज तो ग्रुप डी की होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंट इन्हीं की पोस्ट होती है और इन्हीं की सबसे ज्यादा नीड भी होती है। तो इनकी पोस्ट कम से कम आप ये मान के चलिए कि 20,000 से 50,000 के बीच में वैकेंसीज होने की उम्मीद रहेंगी अगर ईयरली प्रोसेस रहा तो, और अगर एक बार में ही इन्होंने पोस्ट निकाली तब इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी खासी हो सकती है, हो सकता है 60,000 हो जाए, हो सकता है 80,000 हो जाए, लेकिन इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद है। और अगर इतनी वैकेंसी आ रही है तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आप लोगों को आज से ही बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं तब तो ऐरा गैरा का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं तब उन्हीं लोगों के सिलेक्शन होते हैं जिन लोगों ने शिद्दत के साथ पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की है। इस समय पे एएलपी वाले स्टूडेंट के लिए भी 2 से 3 महीने का टाइम है, इलेक्शन निपट जाएंगे, मई जून तक सब काम खत्म हो लेगा, और आपकी डेट क्या है, जून जुलाई, तो जून में तो पेपर होना ही नहीं है, उसको तो छोड़ दीजिए, आपका पेपर जुलाई या अगस्त में ही होगा, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जुलाई एंड की या अगस्त स्टार्टिंग की है, पहले भी 9 अगस्त को पेपर हुआ था, तो इस बार भी यही उम्मीदें हैं कि जुलाई अगस्त में आप लोगों का पेपर होगा। आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, टारगेट क्लासेस के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरीके से आप लोगों के 24-25 डेज का ये गाइडेंस प्रोग्राम चालू हुए थे और ये ग्रुप डी में स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिए थे, ना सिर्फ ये बल्कि आप इधर देख लीजिए, अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि कितने ज्यादा लोगों ने यहां पे सिलेक्शंस लिए थे, ये देख लीजिए, ये बच्चा है और इसको देख लीजिए, यहां पे इन लोगों के फोटोज हैं, इनके सिलेक्शंस हैं, और न जाने कितने फोटो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं जो सिलेक्शंस लिए हैं, और ये बच्चे बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ, यहां पर आप देख लो, आप जो बोलते थे वही करते थे, मेरे गांव के बच्चों को जब आपके बारे में बताते थे तो सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उन सबको दिखा दिया है कि आप क्या हैं भैया, बहुत खुश है। और आप यहां पर देखिए, इस बच्चे के नंबर थे 80 से भी ऊपर, और ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चे ऐसे ऐसे थे जिनकी शिफ्ट में रैंक 2, 1, 3 ऐसे ऐसे रैंक आई हुई थी। तो अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर से आप लोगों के बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे कि आप लोग सिलेक्शन ले लें। आप कुछ ना करें, कोर्स में एनरोल भी मत होइए, मैं तो कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी चीजें आप लोगों को दी जा रही हैं, जो आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, आप फ्री के टारगेट भी इस समय फॉलो करते रहें, निश्चित तौर से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के तो बाकी चीजें भी इतनी बेहतरीन हो जाएंगी, जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय आप किसी भी टीचर के साथ जुड़ जाइएगा, इस समय आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ये इस समय चल रहा है, इसका जो टारगेट्स हैं आप देख सकते हैं, इनके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग टेस्ट भी ऐड करा रहे हैं, गाइडेंस सेशंस भी दे रहे हैं, टारगेट डेज वीडियोस भी दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों को आप जरूर से जरूर करिए। टारगेट्स चल रहे हैं, अभी 6 से 7 टारगेट हुए हैं, बाकी टारगेट भी इसके अंदर और लगातार जाते जा रहे हैं, 3 से 4 महीने के अंदर आप लोग बड़े ही आसानी से अपने ग्रुप डी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो या तो आप बैच में जुड़िए, या नहीं जुड़ रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को भी बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी टीचर से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी से तैयारी स्टार्ट करना स्टार्ट करिए, तभी कुछ होगा, अदरवाइज लास्ट टाइम पे ग्रुप डी के अंदर तो सच में बहुत कंपटीशन रहता है, क्योंकि ये सबके लिए ओपन रहती है पोस्ट, हो सकता है इस बार आईटीआई वालों के लिए ही एलिजिबल हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जिससे कि ऐसा होगा कि 10th वाले ही एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लेकिन जितनी भी 10th वालों की पोस्ट होंगी उन पे तगड़ा कंपटीशन होगा, और आईटीआई में भी कम कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अब लगभग बहुत सारे बच्चे आईटीआई भी कर चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आप लोगों का सवाल था। तो लेट, अच्छा एक सवाल और है कि भैया लेट तो नहीं होगा पेपर, देखो ये आप लोगों को पहले से बता चुके हैं कि जून में पेपर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पेपर आपका जुलाई या अगस्त में ही होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, बेहतरीन तैयारी करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, और अब आप लोगों को हम फुल टेस्ट भी लगवाएंगे जिससे कि आप लोगों की और तैयारी बेहतर हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।